हेलो दोस्तों, आपका मैम की स्टडी के 10वीं कक्षा के गणित में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुपद का एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 2E का अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल MMK स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर छांटिए। क्या दिया गया? यदि द्विघात बहुपद k-1x2+kx+1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान है 4/3, -4/3, 2/3, -2/3। देखिए कौन सा है, इसको हम हल कर देते हैं। देखो दिया गया है के देखो के -1 × x2 फिर +kx+1, ये चीज़ दिया गया है। इसमें एक शून्य मतलब एक x = 3 दिया गया, तो जहाँ जहाँ x है सब जो है इसमें जो है 3 रख दीजिए। देखो k-1 × 3² + k × 3 + 1 शून्य के लिए इसको = 0 लिखना होगा। तो अब देखो ये हो गया 3 का वर्ग 9, 9 × k-1 और +3k + 1 = 0 के। अब देखो यहाँ जो है हम गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, इसमें 9k-9 और ये हो जाएगा +3k + 1 = 0 के। तो 9k 3k कितना होएगा, 9 × 3 = 12 और यहाँ देखिए -9 + 1 है तो -8 = 0 के। तो 12k = 8 पक्षांतर कर दीजिए तो k = कितना आएगा, 8/12, 12 उधर चला जाएगा, काट देंगे 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 2/3 आएगा। तो इसका देखिए कौन सा विकल्प सही है, ये देखिए विकल्प है 4/3 - 4/3, 2/3 - 2/3, यानी 2/3 वाला यही सही आ गया आपको। देखिए ये वाला तीसरा वाला विकल्प सही है। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, कौन है, x² - x और -12, दूसरा x² + x - 12 या तीसरा जो है x² / 2 - x / 2 - 6 या जो है देखिए चौथा है 2x² + 2x - 24। देखिए इसमें से कौन सा बहुपद आएगा आपका, तो 2 शून्य दिए गए हैं। मान लिया कि देखिए माना पहला शून्य α = -3, β = 4 है। तो अब देखिए इसका α + β यानी इसका योगफल α + β = -3 + इसमें जोड़ेंगे 4, तो घटा देंगे आ जाएगा 1, α + β = 1, α × β दोनों का गुणा हो जाएगा, दोनों शून्य का, तो हो जाएगा -12। तो इसका देखिए सूत्र होता है x² - α + β × x और प्लस जो है α × β। तो अब देखिए x² α + β एक है तो -x यानी 1x लिखेंगे तो -x, उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ रखेंगे -12 तो -12, तो ये देखिए आएगा आपका। तो इसमें देखो कौन सा उत्तर सही है दूसरे वाले में, ये देखिए x² - x - 12 यही आपका पहला वाला आंसर सही है। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, यदि द्विघात बहुपद x² + a + 1 × x + b के शून्य 2 और -3 हैं तो a = -7 या b = -1, ये पहला विकल्प है ये आएगा, या कि जो है a = 5 b = -, या तीसरा विकल्प a = 2 b = -6, या चौथा a = 0 b = -6।
तो अब देखिए इसमें क्या आएगा, तो इसमें दो शून्य देखिए दिए गए हैं, दो शून्य हैं, दो और माइनस तीन, तो दोनों शून्यकों का योगफल देखो क्या आएगा। देखिए इसको लिख देते हैं हम, ये शून्य पहले देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी, इसके देखिए शून्य एक अल्फा बराबर दिया गया, अल्फा बराबर दिया है दो और बीटा बराबर दिया है माइनस तीन। तो अब देखो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या आएगा, देखो ये होता है, हाँ ये देखो इसको जोड़ दिए दो प्लस माइनस तीन, ये देखिए सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, माइनस एक्स कौन है ए प्लस वन, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना एक है, इसको देखिए घटा देंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस एक बटे एक लिख दो इसको, और इसको देखिए माइनस ए प्लस वन बटे एक, ये कट गया ना, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो आपका देखिए क्या आएगा ए प्लस वन इक्वल टू वन आ गया, तो ए इक्वल टू वन माइनस वन, ए इक्वल टू आ गया शून्य। अब देखो ए का मान, अब उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, तो दो गुणे माइनस तीन बराबर क्या होगा, तो इसमें देखिए अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक, अचर पद कौन है बी, एक्स स्क्वायर एक, तो हो जाएगा माइनस छः बराबर बी बटे एक, त्रिशा गुणा कर देंगे बी इक्वल टू माइनस सिक्स। तो इसमें देखो कौन सा जो है विकल्प इसमें है, तीसरा वाला देखिए है ए बराबर माइनस सात माइनस बी बराबर माइनस एक, ए बराबर पाँच बी बराबर माइनस एक बी बराबर दो बी बराबर माइनस छः, ए बराबर ज़ीरो बी बराबर माइनस छः, देखिए आ गया ए बराबर ज़ीरो और बी बराबर माइनस छः, ये आ गया है, यही आपका चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये देखिए अब इसके बाद देखिए, अब चौथा क्वेश्चन है शून्य माइनस दो और पाँच वाले बहुपद की संख्या है। देखिए शून्य माइनस दो और पाँच वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी, यानी ये जो शून्य दिया गया एक एक जो है माइनस दो दिया दूसरा पाँच दिया, कि दो बहुपदों की संख्या कितनी होगी, इसमें बहुपद जो आपका ये कहीं भी बना सकते हैं, यानी देखिए तीन होगा आपका, तीन बहुपद आपके बनेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या पाँचवा तिरघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्य जीरो दिया हुआ है, तो अन्य शून्यकों का गुणनफल, अन्य शून्यकों का गुणनफल है माइनस सी अपान ए और सी अपान ए ज़ीरो या माइनस बी अपान ए, एक्स घाते तीन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये देखिए बहुपद दिया गया है, इसके इसका एक शून्य यानी एक्स बराबर ज़ीरो दिया गया है, एक शून्य ज़ीरो दिया है, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें देखो एक होता है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स घाते तीन का गुणांक, और दो शून्यकों का गुणनफल को योग को क्या होगा, दो गुणनफलों के दो शून्यकों के गुणनफलों का योग होता है यक्स का गुणांक बटे यक्स घाते तीन का गुणांक, यक्स का गुणांक देखिए जैसे अल्फा बीटा गामा है, अल्फा प्लस बीटा और इंटू गामा प्लस गामा गुणे अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स घाते तीन का गुणांक होता है, यह होता है सूत्र इसका, तो यक्स का गुणांक कितना है सी, यक्स घाते तीन का गुणांक ए है, तो सी अपान ए आएगा, तो देखिए सी अपान ए कहाँ इसमें है कि नहीं, तो देखो सी अपान ए यही आएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, यदि तिरघात बहुपद यक्स घाते तीन प्लस ए यक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक शून्यक माइनस तीन है, तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है।
देखिए बी माइनस ए प्लस वन, ये छठा वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं, तो इसके दोनों शून्य कौन से आएंगे, दोनों धनात्मक आएंगे, दोनों ऋणात्मक आएंगे, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक, या दोनों ऋणात्मक। देखिए जब यानी बहुपद में हर जगह प्लस हो, यानी प्लस का चिन्ह लगा हो, तो दोनों शून्य जो आएंगे, द्विघात बहुपद है ना, दो शून्य आएंगे, तो दोनों शून्य जो है ऋणात्मक ही होंगे। इसको ध्यान रखना है कि दो यदि हर जगह जो है प्लस प्लस चिन्ह आ रहा है, तो उसके जो है शून्य ऋणात्मक ही आएंगे। उसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवां दिया गया द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, तो के इक्वल टू नॉट जीरो के शून्यक हैं, तो इसके शून्यक देखिए दोनों धनात्मक नहीं हो सकते और दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए इसके शून्यक क्या हो सकते हैं, दोनों धनात्मक हो सकते हैं या दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। इसमें क्या दिया, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, और ये कह रहा है कि दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, तो यह कह रहा है दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते मतलब धनात्मक हो सकते हैं, या दोनों धनात्मक नहीं हो सकते मतलब ऋणात्मक होते हैं। तो यही वाला उत्तर आपका सही हो गया। उसके बाद देखिए नौवा क्वेश्चन क्या है, नौवा है यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सी इक्वल टू नॉट जीरो के शून्यक बराबर हैं, इसके शून्यक दो बराबर किसके हैं, ए और सी, सी और ए विपरीत चिन्ह के हैं, और उसके बाद देखिए सी और बी विपरीत चिन्ह के हैं, उसके बाद सी और ए एक ही चिन्ह के हैं, सी और डी, सी और बी एक ही चिन्ह के हैं। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि इसके शून्यक बराबर हैं, यहाँ सी इक्वल टू नॉट जीरो, तो इसके शून्यक कब बराबर होंगे, जब जो है सी और ए का चिन्ह जो है एक ही होगा, तब जाके इसके शून्यक जो है बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 10 क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में एक द्विघात बहुपद एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, तो अब देखो कह रहा है कि इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप में रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे शून्यक का ऋणात्मक हो, यानी पहला शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो या दूसरा वाला पहले का ऋणात्मक हो, तो क्या हो सकता है, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है। इसमें कह रहा है कि कोई रैखिक पद नहीं होगा और अचर पद ऋणात्मक होता है, ये देखिए सही है, ये कह रहा है कि कोई रैखिक बहुपद नहीं होता है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है, द्विघात बहुपद है, इसकी वजह से ये कोई रैखिक बहुपद नहीं होगा और अचर पद जो है ऋणात्मक होगा, इसका जो है बी जो है ऋणात्मक होगा। ये कह रहा है कि एक दूसरे के जो है एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक हो, तो इसका मतलब जो यहाँ पर ऋण आएगा तभी तो जो है एक प्लस आएगा एक माइनस आएगा, जब यहाँ माइनस चिन्ह होगा तभी एक प्लस एक माइनस आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद का आरेख नहीं है। एक द्विघात बहुपद का मतलब इस द्विघात बहुपद ये होता है जिसमें दो शून्य प्राप्त होते हैं। तो अब देखो इस ग्राफ को मैंने प्रश्नावली पहले में बताया था कि ये जो कर्व जो बनेगा यदि यक्ष अक्षों को जितने स्थान पर काटेगा उसके उतने शून्य होंगे। तो यहाँ देखिए ये कहीं नहीं काट रहा है, इसके कोई शून्य नहीं है, इसमें देखिए एक जगह काट रहा है एक के शून्य है, इसमें देखिए दो जगह काट रहा है यही दो शून्य है, यही वाला द्विघात बहुपद का आलेख होगा तीसरा वाला। और ये देखिए तीन जगह काट रहा है, एक दो तीन जगह पर यक्ष अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, इसकी वजह से ये त्रिघात बहुपद का होगा, ये द्विघात बहुपद का शून्य यही है तीसरा वाला। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।